हर कोई जन्म से किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, लेकिन सिर्फ पता चलने की देर होती है। इसलिए सुने सबकी लेकिन करे अपने दिल की। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अप्रैल मई जून 2022 की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, क्या बदलाव, क्या प्रभाव, क्या जीवन में परिवर्तन आपके आएगा, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज का एक कार्यक्रम वृषभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अप्रैल मई और जून 2022 क्या बदलाव लेकर आएगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, जून में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पर दोस्तों मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं आया हूं, आपको खुश करने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं आया हूं। जैसा दिखेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सभी चीजों के बारे में विशेष आज हम चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। करते हैं शुरुआत। अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 8 अप्रैल को मंगलदेव कुंभ राशि में जाएंगे और बुध ग्रह मेष राशि में जाएंगे। 12 अप्रैल को राहुदेव मेष राशि में जाएंगे। 13 अप्रैल को देव गुरु मीन राशि में जाएंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इतने सारे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो बदलाव बहुत बड़ा आने वाला है। जब अप्रैल शुरू होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। राशि के मालिक बनते हैं शुक्रदेव और शुक्र रहेंगे देव गुरु के साथ में 10th हाउस में। 9th हाउस में रहेंगे शनि के साथ में मंगल, 1st हाउस में राहु, 7th हाउस में केतु और 11th हाउस में सूर्य के साथ में बुध। सबसे पहले जानते हैं आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, 1st हाउस में राहु है, 7th हाउस में केतु है 12 अप्रैल तक, और 12 अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा, किसी भी पार्टनरशिप में काम करते हैं आप, किसी भी पार्टनरशिप में आप काम करते हैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास बना के नहीं चलना है। विश्वास करिए लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास आपको हानि पहुंचा सकता है 12 अप्रैल से पहले पहले। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, कोई भी रिलेशन है आपका, चाहे आपका लव रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, मैरिज रिलेशन है, अपने मन में शंका करना और अपने मन को ही नेगेटिव करना या आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। विशेष आपको ध्यान रखना है 15 अप्रैल से पहले पहले, विशेष आपको ध्यान रखना है। अप्रैल के महीने में ही बुध आपके 12वें घर में होंगे और देव गुरु होंगे 11th हाउस में। आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब देव गुरु 13 अप्रैल को आपके 11th हाउस में जाएंगे मीन राशि में, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। अप्रैल और मई ये दो महीने ऐसे हैं जब आपको प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, या फिर अगर कुछ वृषभ राशि वाले व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, तो जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं आपको, क्योंकि गुरु होंगे आपके 11th हाउस में, बुध होंगे आपके 12वें घर में। लेकिन इसके साथ में दोस्तों, आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। वो क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक बुध ग्रह 12वें स्थान में चले जाएंगे 8 अप्रैल को, तो पैसा आएगा भी अच्छा लेकिन खर्चे भी होंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर खर्चे आपके बहुत ज्यादा भी देखे जा सकते हैं। और अगर किसी भी चीजों पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में, किसी गोल्ड में, किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप अप्रैल के महीने में ना करके 15 मई के बाद जाके कीजिएगा, जब बुध ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। 15 मई के बाद आपके लिए इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने रिलेशन पर ध्यान दीजिएगा विशेष। अब आ जाते हैं दोस्तों मई के महीने में। 29 अप्रैल को शनिदेव 10th हाउस में गोचर करेंगे कुंभ राशि में और ससराम का राजयोग बनाएंगे। करियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। वो क्यों, समझने का प्रयास कीजिए। 10th हाउस में जब शनि आएंगे, 10th हाउस होता है करियर का और ससराम का राजयोग बनाएंगे, तो मई और जून ये दो महीने आपके करियर में इंक्रीजमेंट लेके आ सकते हैं, आपको ग्रोथ लेके आ सकते हैं। लेकिन आपका करियर में ग्रोथ जरूर होगा। जो आपके साथ में काम करते हैं लोग, वो आपकी तारीफ करेंगे।
आपसे कुछ सीखेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। आपकी पीठ पीछे आपकी पॉलिटिक्स भी देखी जा सकती है, लेकिन आपको उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा देखा जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर काम करते हैं तो फिर आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। अगर फॉरेन ट्रेवलिंग की अगर आप सोच रहे हैं तो मई का महीना आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा। शनि की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? फोर्थ हाउस में। लेकिन अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर भी चलना होगा, और जिद आपको नहीं करनी है, पेशेंस धैर्य बनाकर आपको चलना है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो चिंता आपको नहीं करनी है, ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुक्र अभी आपके देव गुरु के साथ में है, लेकिन फिर आपके 10th हाउस में जाएंगे शनि के साथ में। तो क्या होता है कि इंसान आगे तो बढ़ता है, करियर में आके आगे बढ़ता है, लेकिन साथ में डिसेटिस्फेक्शन भी होती है, इंसान बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है। तो ये आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। और इसके साथ दोस्तों, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं मई के महीने में, उनको भी नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। अप्रैल का महीना रिलेशन को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन मई और जून का महीना रिलेशन को लेकर अच्छा है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो सिर्फ एक बात आप ध्यान रखिए, अपने वाणी पर नियंत्रण बना के रखिए, कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट्स अपने मन में आप मत लेके आइए। अब जून के महीने की बात कर लेते हैं दोस्तों। जून के महीने में आप कोई छोटा मोटा लोन ले सकते हैं, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, लेकिन आप ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखकर चलना है, खासकर त्वचा से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, और इसके साथ साथ कोई डायबिटीज, लीवर डाइजेशन से रिलेटेड ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन जून का महीना एक ऐसा होगा जो आपके व्यापार के लिए काफी ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। आपके मंगलदेव मई के अप्रैल के महीने में जाएंगे 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में। आपकी इनकम को गेन जरूर करेंगे 3 महीने। व्यापार करते हैं बहुत अच्छा है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं अच्छा है, फील्ड में आप काम करते हैं, आप फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए यह महीना जून का महीना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई मैनेजमेंट है, कोई काउंसलिंग है, कोई लोहे से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, ये सारे काम आपके लिए जून के महीने में काफी अच्छे देखे जाएंगे दोस्तों। और विदेशी गतिविधियों में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है आपको, या तो MNC कंपनी में, या फिर फॉरेन से रिलेटेड, जैसे कि फॉरेन से पैसा आना, या फिर ऑनलाइन काम, इन सभी चीजों में आपको फायदा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप जरूर सर्च कीजिए नौकरी, आपको मिलने की चांसेस हैं, और व्यापार करते हैं तो वैसे भी अच्छा है। क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, शुक्र का बीज मंत्र आप जरूर करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। और दूसरा दोस्तों, चंद्रमा का बीज मंत्र अवश्य करें शाम को सूर्यास्त हो जाने के बाद, ओम श्राम श्रीम स्रोम स चंद्रमसे नमः 108 बार रोजाना। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।